नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजपुरा कोयलेरी के बंद खदान में शुक्रवार की दोपहर डूबे जमशेद आलम का चौथा दिन सोमवार भी पता नहीं चल पाया। सोमवार की सुबह से NDRF की टीम जमशेद की तलाश में पूरा खदान को छान मारा, बावजूद उसका अभी तक पता नहीं चल पाया। जमशेद का पता लगाने में असफल रही NDRF की टीम निराश दिखी। NDRF इंस्पेक्टर OP गोस्वामी ने कहा कि जमशेद की तलाश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके पास जितने भी शस्त्र हैं सभी का प्रयोग कर चुके हैं, यहाँ तक कि देसी उपाय झगड़ का भी प्रयोग किया गया, परंतु खदान की गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण जमशेद को खोज पाने में काफी कठिनाई हो रही है। उनका कहना है कि अब इंतजार किया जा सकता है। वहीं अग्यारकुंड अंचल अधिकारी सुश्री अमृता कुमारी ने कहा कि NDRF की टीम ने बच्चे को खोज निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। उन्होंने आज पूरा दिन हर तरह से प्रयास किया है, परंतु खदान की गहराई ज्यादा और ठंडा पानी होने की वजह से जमशेद को खोज पाना मुश्किल हो रहा है। हमारा भरपूर प्रयास होगा कि जमशेद को जल्द से जल्द खोज पाने में हम लोग सफल होंगे। इसके लिए NDRF के वीरीय पदाधिकारी से अनुरोध कर सोमवार को भी जमशेद को खोजने का अभियान जारी रहेगा। मौके पर DM नंद गुप्ता, अग्यारकुंड VDO विनोद कमरकर, JMM नेता लखी सोरेन, मुखिया मोहम्मद सोनवर, उप मुखिया मोहम्मद मुस्तकिम, राजपुरा कोयलेरी के पदाधिकारी कुमार डुब्बी, पुलिस एवं ग्रामीण मौजूद थे। देख रहे होंगे, सभी लोग देख ही रहे हैं कि मतलब कल शाम से ही NDRF की टीम लगी हुई है और आज शाम तक भी इन्होंने पूरा अपना बेस्ट एफर्ट किया है, और फिर भी लेकिन हम लोग नहीं सबको मतलब बाहर निकाल पाए हैं। और इस संबंध में हम लोगों ने अभी वरीय पदाधिकारी से बात भी की है, जिला से जैसा भी डायरेक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी अड़चन क्या आ रही है मैम निकालने में? एक्चुअली इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, ये बंद माइनिंग का खदान है, ये तो काफ़ी गहरा है ये, इसलिए इसमें दिक्कत हो रही है इनको नीचे तक जाने में, लेकिन फिर भी इनके द्वारा पूरा अपना बेस्ट एफर्ट किया गया है।